नम्रता जी एक आरोप इसलिए लगातार दिल्ली लगता के रहा लिए तो है, हम नहीं सरकार सुपर चुनावी प्रचार से पहले भी और चुनावी प्रचार के बाद में भी इंडिया गठबंधन की तरफ से भी और बाकी जो विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से ये कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं विपक्ष के ऊपर या तो जांच एजेंसियों के छापे पड़ जाते हैं या कोई बड़ी कार्रवाइयां हो जाती हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, अंदर कर दिया जाता है। इन आरोपों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जांच प्रक्रिया है या ये आरोप इन आरोपों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है? क्या लगता है? देखिए, ये भारत की न्याय व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था में आप कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ। जिसने गलत किया है उस पर न्याय व्यवस्था अपना कार्यवाही खुद करेगी। इसके लिए आप और मैं बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था विश्व की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था है, उसकी नहीं, सब बात बात समान है। जांच एजेंसियों की हो रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि डराया और धमकाया जाता है चुनाव से पहले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसने गलत किया है वो गलत है, जिसने सही किया है वो सही है, पर्दे की तरह साफ है। ये बात आप मानने को तैयार है? गलत किया हो, गलत नहीं, सही किया हो, सही है और जी ये जो जांच जी बिमला एजेंसियां जी, हैं ये किसी के घर की नहीं है, ये भारत की न्याय प्रणाली में आती है। ठीक है। नम्रता जी, भीमराज जी, आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुछ दिनों पहले के बयान की हम बात करें तो वो यही कह रहे थे कि हमें इस बार भी धमकाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कहते आ रहे हैं, या फिर बाकी राज्यों के हम नेताओं की बात करें उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट है। तो ऐसा क्यों, या हार जब हार सामने आती है तो इस प्रकार के हम सामने बयान लाते हैं, या फिर रीजन इतना सा ही है कि दबाव बनाया जा रहा है? बीजेपी बौखलाई हुई है। जब आदमी बौखलाता है ना तब इस तरह के हथकंडे अपनाता है। अनंता जी से पूछना चाहता हूँ, पेमा खांडू कहाँ है जिसके छापा पड़ा था? नारायण राणे कहाँ है जिसके ईडी का छापा पड़ा था? छगन भुजबल कहाँ है जिसके छापा पड़ा था? हसन मुशरीफ कहाँ है जिसके छापा पड़ा था? और इसका जय पांडे कहाँ है जिसके छापा पड़ा था? मुकुल रॉय कहाँ है जिसके छापा पड़ा था? प्रफुल्ल पटेल कहाँ है जिसके छापा पड़ा? प्रफुल्ल पटेल की फाइलों के लिए ईडी कह रही है कि इसमें केस में कुछ है नहीं, बंद कीजिए। आप अजीत पवार के लिए कह रही है कि हमारे को इसकी फाइल नहीं मिल रही। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब आप इनके छापा मारते हो और जब ये बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल के बीजेपी ज्वाइन कर लेते फाइल नहीं मिलती, कौन सी कार्रवाई करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ चुनाव बीजेपी ने लड़के ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स लड़ता है। आज 10 साल सत्ता में इनको इनकम टैक्स का नोटिस, अब चुनाव है जब कांग्रेस के समय कांग्रेस के खाते अब याद कैसे हैं? इतने दिन अधिकारी सो रहे थे क्या? पर सिर्फ और सिर्फ इनका काम इश्यू बनाना है। डोटासरा जी के इन्होंने छापा मारा, चेतक चेतक इंटरप्राइजेज के उदयलाल आंजना के छापा मारा, तो दीपक इंटरप्राइज गडकरी जी के छापा कम मारोगे? जिन्होंने जिन्होंने टेंडर सारे सारे हाईवे के टेंडर मिले, 18 करोड़ पर किलोमीटर का टेंडर था जिसको कैग ने कहा, हम नहीं कह रहे, कैग ने कहा कि 18 किलोमीटर 18 करोड़ पर किलोमीटर का जिसको 250 करोड़ का भुगतान किया गया, और जो ट्रेनों का किराया है वो भी 3 गुना कर दिया कि गरीब आदमी उसे सफर कर ले, क्योंकि कभी रेल बेच रहे हैं, कभी बेल बेच रहे हैं, कभी सेल बेच रहे हैं, कभी हवाई अड्डा बेच रहे हैं। क्या करने जा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ उद्योग मित्रों के लिए ये लोग आए हैं और पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। वो आए तो रेड कार्पेट बिछाया जाता है। भीमराज जी, विकास का विजन भी होना चाहिए कुछ सालों कौन तक, सा विकास का विजन सालों है? तक आपके पास सरकारें थी, केंद्र सरकारें थी, केंद्र में थे, बिल्कुल उसके बावजूद फिर जब बड़ा एजेंडा आप लेके चलते हैं तो उस समय बिल्कुल बिल्कुल एजेंडा एजेंडा दिया जब भारत आजाद हुआ, पड़ा सवाल तो आपके पास में भी खड़ा होता है, जनता को क्यों नकारना पड़ा? मैं बता देता हूँ, सवाल बिल्कुल बनता है, सवाल पूछना चाहिए और सवाल का जवाब भी पर्टिकुलर होना चाहिए। हमने जब भारत आजाद हुआ सुई तक यहां बनती नहीं थी। आज देख लिए जितने कल कारखाने, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सब कांग्रेस के टाइम से। रेलवे देख लो, हवाई जहाज देख लो, बसें देख लो, क्या नहीं बनाया इन्होंने तो सिर्फ बेचने के अलावा, क्योंकि हम क्या, यहाँ वसुंधरा गवर्नमेंट थी, 15,000 स्कूल बंद किए थे। एक मिनट सुनिए आप, 15,000 स्कूल बंद किए थे आपने और कांग्रेस ने चालू किया है और इंग्लिश मीडियम 70 स्कूल खोले। और एक सबसे बड़ा उदाहरण दे देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा कि जब गहलोत साहब पाली गए तो लड़कियां बोली कि हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। 1.5 घंटे में आदेश दिया गया, बोले आप स्कूल में पढ़िए, बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो स्कूल बंद करो। यूपी में 50,000 स्कूल बंद किए, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज थे वो प्राइवेट हाथों में आपने दिए और जो फीस है वो आपने 4 गुना आपने बढ़ाई है। तो बिना शिक्षा के विकास नहीं है, इसको आप खत्म कर रहे हो। आप सुन के जाऊंगा, मैं नम्रता जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन आपसे एक जवाब सुन के जाऊंगा। भीमराज जी, तमाम कोशिशें आपने की और कह रहे हैं आप लगातार कि दशकों से किए जा रहे हैं लगातार देश के विकास के लिए, तो फिर जनता नकार क्यों रही है? इससे क्यों नहीं समझ पा रहे आपकी पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा मैं है, आपको पब्लिक के दिल में क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं समझ इन्होंने पा रहे? जनता को भ्रमित तो किया, हाँ बता रहा हूँ, जनता को भ्रमित किया। पहले तो बोले 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन, एक ही वादा पूरा बता दिए। और 2019 के अंदर इन्होंने पुलवामा का झूठा हमला रचा और वो पुलवामा का सच जनता के सामने बताइए। और मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो देवेंद्र सिंह डीएसपी कौन था जिसको आपने छोड़ा? और
और 300 किलो आरडीएक्स कहां से हुआ, इसमें साजिश की बुआरी है, सरकार आते ही पहला खुलासा करेंगे, ध्यान रख लेना इस बात का। ये जांच के विषय भीमराव जी, आपके जो आरोप है जांच के विषय है, ये बीजेपी की है, आपकी सरकार आई तब आपको जांच करवाना चाहिए था। मैं आपको जांच के विषय था, 140 करोड़ भारतीयों के 70 महीने में 165 जब सरकारें आती है तब तो आप शांति से बैठ जाते हैं, तब आपके पास में जांच नहीं होता, जांच करवाते हैं आप, बताइए नतीजे क्यों नहीं निकलते। सुनो ये बोले फिर नतीजे क्यों नहीं निकलते, लाल आंग दिया, ब्रह्मपुत्र का पानी रोक लिया, क्या किया, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट थे जिसमें से 45 पे चाइना ने कब्जा कर लिया, क्या किया आप लोगों ने, सोनो वांचुक धरने पे बैठे हैं आप, ठीक है, एक जवाब चलिए ठीक है, ठीक है भीमराव जी आप बोलिए, नम्रता जी आपके पास आना चाहूंगा, एक सवाल का जवाब जरूर चाहेंगे, पूरा देश भी चाहेगा, जब पार्टी विथ डिफरेंस की हम बात करते हैं, जब बात करते हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि हम नई विचारधारा के साथ में देश को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर आधी से ज्यादा कांग्रेस को आप शामिल कर लेते हैं या बाकी पार्टियों को अपने अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तो फिर पार्टी विथ डिफरेंस कैसे रही, विचारधारा तो वो रही ना, विचारधारा तो बदल गई, और फिर उसके बाद में क्या उनकी जांच नहीं होगी जो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए लोकतांत्रिक देश है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, और अगर कोई भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो ये उसका स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को ज्वाइन करने के लिए। छापों के बाद कैसे ज्वाइन करते हैं ये बताइए, फिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। मैं आपके नाम पूछा, पेमा खांडू का, सुबोध अधिकारी का, सिंगा सिंगा, मुकुल रोय, जय पांडा, अजीत पवार, ये लोगों के आपने छापे करवाए और बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल के चले गए तो साफ हो गए, ये तरीका बताइए, इसका जवाब आपके पास नहीं मिलेगा नम्रता जी, आप बताइए कहीं के छापे मारेंगे, जवाब देने दीजिए भीमराव जी प्लीज, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए जी। नम्रता जी जिस चाइना बॉर्डर की बात कर रहे हैं, उसी चाइना बॉर्डर के टेंट पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भोजन कर रहे थे, इसलिए चाइना से बात। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है जिसमें 45 पे कब्जा कर लिया, उसका जवाब तो दो, सोनू वांगचुक बार बार कह रहे हैं चाइना मरे चरवाओं को गड़े नहीं दिया जा रहा है, तो आप उसका जवाब दो ना, और ब्रह्मपुत्र का पानी क्यों रोका है उसका जवाब दो ना, बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस किसने दिया, और 4% से बढ़ के 22% हो गया, ये क्यों हुआ उसका जवाब दो ना। पॉइंट आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आएंगे तो कंक्लूड हो पाएगा, मुद्दे की बात करेंगे। नम्रता जी आपके उस सवाल को मैं जो जवाब से चाह रहा हूं उसको आप प्लीज कंप्लीट कर दीजिए कि क्या हम पार्टी विथ डिफरेंस की जब बात करते हैं तो विचारधाराएं अलग जब शामिल हो जाती हैं तो फिर क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, और क्या हम देश की जनता के सामने फिर ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि वही पार्टी जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं लगातार उसी के लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नहीं देखिए, पार्टी ज्वाइन करने का अधिकार सबको है, और रही बात न्यायिक व्यवस्था की, तो क्या फिर साफ सुथरे हो जाएंगे, क्या उनके ऊपर से सारे केस हट जाएंगे, किसी को भी इसमें कोई भी रिबेट नहीं मिली है, कोई भी लिबर्टीज नहीं दी गई है, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी घर वापसी कर सकता है, इसके लिए हम किसी आप में कोई भी कानून व्यवस्था किसी को बाध्य नहीं कर सकती है, ये लोकतांत्रिक देश है। नहीं, विचारधारा फिर कहाँ रही, विचारधारा की बात हो रही है, विचारधारा ही तो बदलाव की बात है, कांग्रेस के जो लोग थे वो तो इतने सालों से लगातार सरकार में आई रहे थे, अब बीजेपी को पूरी जनता ने मौका दिया है, सिरमौर बनाया, इतनी ज्यादा भारी जीत यहां पर मिली है, तो अब बदलाव चाहती है जनता। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो हमारे विचार है कि उन्हें गले लगाया जाए, अगर कोई वापिस हमारे सनातन राष्ट्र की नींव की आहुति में हमारा सहयोग देने आ रहा है तो हम उसे गले लगाएंगे जी, हम उसको मना नहीं करेंगे, घर वापसी को कर रहा है तो हम उसको बिल्कुल हमारे भाइयों को गले लगाएंगे, हम मना नहीं करेंगे, अपनी गलती स्वीकार करकर पूरा रात को घर आता है क्या तो हम उसको मना नहीं करेंगे। ऐसा कांग्रेस में क्या कमियां है कि सब कांग्रेस ही छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। नहीं, उनका तो आरोप यह है कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है, बहुत ही सीधी सी बात है, कोई दबाव नहीं बनता है, खोखली हो चुकी है, अस्तबल खाली हो गया है कांग्रेस का। आलाकमान को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, भीमराव जी आपके पास में भी आना चाहूंगा, देखिए उनकी अपनी बात है, उनकी ये कहना है कि साहब आप में अगर कोई कमी होगी तभी तो आप छोड़ के आ रहे हैं, एक सवाल आपकी पार्टी पर भी लगातार उठा है, इतनी मजबूत पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी उस समय हुआ करती थी, फिर उसके बाद में आलाकमान की तरफ से डिसीजंस क्लियर नहीं लिए गए,
या फिर ऐसी क्या कमी रह गई जो इस हश्र तक आप लोग पहुंच गए? कुछ तो कमी रही होगी, असर नहीं है, मैं आपको बता कोई तो कमी रही होगी जो लगातार राज्य आपसे छूटते चले गए और सेंट्रल गवर्नमेंट में आना तो दूर की बात, अब राज्य के अंदर भी सीमित हो गए। क्या कर रहा है? सुनिए, इन्होंने क्या किया है, ये सत्ता में आने के बाद इनके गोलवलकर ये बुक थी जिस बुक में ये लिखते हैं कि गलती से भी आपकी सत्ता आए तो जो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है उसमें दो या तीन परिवारों का कब्जा कर देना। आप पढ़ लेना मैडम इस बुक को, मैं आपको बता देता हूँ, वी डिफाइन नेशनहुड, आप उस बुक को पढ़ लेना यदि नहीं पढ़िए तो वो कहते हैं और 95% जनता को गरीब कर देना। आपकी मुमकिन सत्ता नहीं जी, वो काम के अंदर की सरकार, दो तीन परिवार, दो तीन परिवार का क्या, दो तीन बता जो पूंजीपति मित्र है। और ये कह रही थी ना मैडम जी, कह ज्वाइन क्यों करे, मैं पूछना चाहता हूँ किन किन लोगों के डीके छापे मारे गए और उन लोगों ने कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 41 कंपनियों ने चंदा दिया। ऐसी ऐसी कंपनियां जिनका 2 करोड़ का तो प्रॉफिट है और 200 करोड़ का चंदा दे रही है, कहां लेके जा रहे हो? आपका काला सच पता नहीं है? अब तब वसूली वाला काम कर रही है ईडी तो। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं, पेमा खांडू नाम नोट कर लेना, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, शिवराज पाटिल, अजीत पवार, इन लोगों के छापे मारे गए और बीजेपी में घुल के वॉशिंग मशीन से चले गए, तब ये साफ हो गए। तो कौन सी पोर्ट, कौन से सिद्धांत रखे, कौन सी विचारधारा, विचारधारा खत्म है, सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही। चलिए ठीक है, भीमराव जी, गवर्नमेंट थी तो गाय के नाम पे बोला, सबसे बड़े कत्ल खाने कहां है, यूपी के अंदर है जहां इनकी सरकार है, और गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा कौन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, और ये पाकिस्तान को गाड़ियां निकालते हैं, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा किसने लिया, इकबाल मिर्ची से चंदा किसने लिया, मैडम पढ़ के आना, आप तैयारी करके आना। और चाइना वो लाला की दिखाने की बात करते हैं तो चाइनीज जासूसी कंपनियों को तो टेलीकॉम का काम दिया गया, बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस किसने दिया, और जो इम्पोर्ट 4% था वो 22% हो गया। तो ये काम ये लोग करने जा रहे हैं। सोनम मोहनचुंग बार बार कह रहे हैं, सोनम मोहनचुंग ने कांग्रेस के समय भी धरना दिया था, 10वें दिन इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई, अब बोले आप अपनी समस्या बताओ, ये लोग मिलना नहीं चाहते। 13 महीने किसान आंदोलन धरने पे बैठे रहे, इन्होंने माना नहीं, क्योंकि इनको पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना था।